उत्तर प्रदेश के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कारण निचले इलाकों में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसी बीच आज शनिवार को प्रदेश के लाखों छात्र उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSC की टेस्ट 2022 देने के लिए घर से बाहर निकले हैं। छात्रों को उनके घर से 200 से 300 किलोमीटर दूर तक एग्जाम सेंटर दिया गया है, जहाँ पहुँचना छात्रों के लिए अग्नि परीक्षा बन रहा है। रेलवे स्टेशनों पर कल शाम से ही भारी भीड़ है और ट्रेन के भीतर तो सांस तक लेने की जगह है। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर स्टूडेंट्स का हुजूम उमड़ पड़ा है। रेलवे स्टेशन स्टूडेंट्स से खचा खच भरा हुआ है और यही हाल ट्रेनों का भी है। सोशल मीडिया पर इन स्टूडेंट्स ने अपना दर्द बयां किया है। उम्मीदवारों ने इस बात की भी शिकायत की है कि एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से वहां पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जो उम्मीदवार गाजीपुर के रहने वाले हैं उन्हें इलाहाबाद, तो गोरखपुर के स्टूडेंट्स को मऊ, आजमगढ़ एग्जाम देने जाना है। बता दें कि UPPAT परीक्षा 15 और 16